सेल्फी शुरू हो गई तुम तो हाँ, आप तो बोलिएगा दिन भर काम हम करते हैं, हल्ला ही करते हैं। अरे समझता हूँ भाई, समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ को, मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा। तुझे तो मेरी सब कुछ है, मेरी दुनिया जहाँ चाहिए। ज्यादा मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं है, बाजार जाइए। अरे हाँ याद दिलाई, सोच रहे थे बाजार जाकर करेला भरवा के लिए सामान लिया। तुम्हारे हाथ का बना हुआ हिंग छैंक वाला करेला का भरवा कमाल का बनता है। खाते ही एकदम मेरा मन बौरास आ जाता है। जब बौराइया जाता है तो कहला खाते हैं। बना दो ना, ज्यादा मस्का मत मारिए, बाजार में मक्खन की कमी हो जाएगी। अरे हाँ भाई देखो, जो मैं कह रहा हूँ काम कर दो। पहले देखो हिंग छैंक वाला करेला का भरवा बना दे, दाल भात सब्जी के साथ भरवा चटक चटक करके खाएंगे। शर्त कैसा सर? अरे तुम कहो तो मैं सात समुंदर लांगा हूँ, आसमान से तारे इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। बस घर में काम है, थोड़ा हाथ बटा देना मसाला वगैरह। अरे हाँ भाई हाँ, मैं सब कुछ कर दूंगा, यहाँ तक कि मसाला वगैरह सब पीस दूंगा, तुम सिर्फ बना देना। ठीक है बना देंगे, जाइए जल्दी बाजार। ठीक मैं अभी गया और तुरंत सामान लेकर के आया। हाँ करेला भरवा के लिए भाई साहब आज इधर ही बजा रहा है ना, इधर वो मोहन भैया बता रहे थे कि वहाँ लगता है। बता रहे ये गलत बता रहे दीदी, बता रहा यही कहा है ना। अरे साँझ बोल चिड़ै सवेरे बोल मोरवा मोरवा छोटा बाल मा। बाबू किसा है ये चाचा, उसके बारे में एकदम मत पूछिए, फिर शैतान हो गया वो। अच्छा कभी इस दीदी के गोद में तो कभी इस भैया के गोद में चला जाता है। शर्मिली का तो पूरा दिन देखभाल में ही लग जाता है। हाँ भाई हमारी बहू ही है ही ऐसी, हमारी बहू साक्षात देवी अन्नपूर्णा है, जैसा रूप वैसा गुण। चाचा माँ के मर जाने के बाद उसी ने तो इस घर परिवार को संभाल कर रखा, बहुत अच्छी औरत है चाचा, बहुत अच्छी औरत। ठीक है और सब कहो खेती बाड़ी के समाचार। हाँ हाँ वो ले गया था सब गेहूँ के खेत में छीट दिए, समझ गया ना। और चाची कैसी है? अरे बेटा इस उम्र में तो छोटी मोटी बीमारी लगी हुई रहती है, वो भी ठीक ही है। ये किसी दिन चाची के लेकर के मेरे घर आओ ना, चाची को देखे हुए बहुत दिन हो गए। जरूर आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। ये चाचा बात करते करते बाजार का भी समय निकल आता है। हाँ कहा कि हिंग छैंक वाला करेला भरवा बनाने के लिए सामान लाना है। ठीक है चाचा। ठीक है बेटा, हमारी बहू पर ख्याल रखना। आप भी चाची पर ध्यान रखिएगा। चले आइए। थैंक
चमन टोला ये 35 रुपए किलो। अरे उधर सब साड़ल पकल लीजिए। नहीं नहीं देखिए आप कह रहे हैं ना तो हम आपको 2 रुपया कम कर देंगे। तो बढ़िया से देखिए भैया, बढ़िया से देखिए, 2 किलो ले जाएंगे करेला भरवा के लिए। ये देखिए भैया, अरे अरे हाँ, और यही नहीं, अरे मजबूत चौकी पलंग मेज के नीचे छुप जा, मेज के नीचे छुप जा। और ध्यान से सुनो, झुको, रुको और ढको, पकड़ो। अरे अब कम लगता है सांप को खेल गया। अरे भैया कहीं से आवाज सुनाई दिया था, कह रहा था कि रुको ढुको पकड़ो, कहीं से आवाज आई थी। छुको ढको पकड़ो की आवाज तो मुझे भी सुनाई देती है। क्या करे, बाप रे बाप, जानते हैं भैया हम तो अपना भतीजवा के लेके ना छतवा से उतर रहे थे, जैसे ही एक सीरिया डाले ना तो भतीजा बोले चक्का है धक्का दे रहा है। अरे धक्का नहीं दे रहे, धरती डोल रहे, जल्दी भागो तो उसको कोना में ले जाके छिपा दे। हमारे साथ यही स्थिति हुआ, हम तो कह रहे थे कि सब के लेके भागे, लेकिन कब से तुरंत मेज मिला उसी के तरह। जानते हैं भैया हम शौचालय में गए ना चचा, तो जैसे कुंडी लगा रहे ना उसे हन्ना टेल दे, जैसे हन्ना टेल दे तो ऐसे हो गया। ये भाई लेकिन वो आज दिया था, आदमी कौन है ना, उसको देखते हैं इंतजार। अरे आवाज हम ही लोग दे रहे थे ना। रमेश भैया, रमेश भैया, जब धरती डोल रही थी तो आपने बोला कि किसी मजबूत अथवा मेज के पलंग के नीचे छुप जा, ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए कि भूकंप के दौरान हमें जो होने वाली नुकसान है उससे बचा जा सके। अच्छा, जैसे मान लिया जाए कि हमने बोला था आपको झुको और पकड़ो, तो इससे क्या है कि हम झुक जाएंगे और अपने आप को सिर को इस तरह से बचाएंगे। हाँ, और चौकी और मेज के पास या कोई मजबूत सामान के नीचे कह रहे थे पलंग के नीचे जाने के लिए, कि अगर कोई भी मकान का मलबा वगैरह भी गिरेगा तो उससे हमारा सर बच सकता है और हम सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ कि घर में है सब, यदि हम बाहर में हैं उस समय हमको क्या करना पड़ेगा भैया जी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। अगर भूकंप के दौरान हमें कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है, जैसे अगर हम खेत बधार में कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ से कहीं भी पेड़ पौल या ऊंचे बिल्डिंग के पास न भागे, यानी अपने खुले मैदान में एक निश्चित कर ले जहाँ पर पौल न हो, बिजली का तार न झूलता हो और बड़ा सा बिल्डिंग न हो, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, यानी खुले मैदान में सुरक्षित जगह स्थान करना चाहिए। दीदी भैया कहाँ हमें जाना चाहिए? खुले मैदान। अपने परिवार और बच्चों को भूकंप के दौरान सुरक्षा के लिए हम क्या करें? अभी भैया ने बताया है ना कि अपने परिवार और बच्चा के सुरक्षा के लिए 3 बातों पर हमेशा ध्यान रखना। 3 बातों झुको, झुको, ढको, ढको, पकड़ो, पकड़ो। हाँ, तो ये 3 बातों को ध्यान में रखें। और हाँ, भूकंप आने का इंतजार ना करें, ना आने था बहुत देर में। अच्छा, वो हमें सवाल पूछे? चाचा सवाल करेंगे। अरे बच्चे पास पाने आज कहीं हम ऐसा सवाल पूछेंगे, हम ऐसा सवाल पूछेंगे ना कि तरसा के भी मतलब हम बहुत चक हो जाएंगे। अच्छा, पूछिए ना, देरी काहे कर रहा है। ये बताइए कि यदि हम 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी से जा रहे हैं, हाँ वो ही घड़ी भूकंप आ गया। अरे बढ़िया सवाल किया। अभी आप लोग क्या कर रहे थे चाचा के बारे में, ये भी सवाल करें। कितना अच्छा सवाल किए हैं चाचा ने, बहुत अच्छा सवाल है। यानी हम अगर 4 चक्का 2 चक्का गाड़ी से हम सफर कर रहे हैं, उस दौरान अगर भूकंप आ जाता है तो बस
थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। यानी अगर हम गाड़ी में हैं, चार चक्का गाड़ी में है, तो उस गाड़ी को पहले खुले मैदान में निश्चित स्थान पर हम खड़ी कर लें। अच्छा, यानी खुले मैदान में जहाँ पर हम बार बार कर रहे हैं सुरक्षित स्थान, यानी जहाँ बिजली का खम्मा, पोल, तार, पेड़, बिल्डिंग ना हो, वहाँ हम मैदान में सुरक्षित खड़ा कर देंगे। अच्छा, खड़ा करने के बाद हम उसी गाड़ी में बैठे रहेंगे तब तक जब तक भूकंप का झटका खत्म न हो जाए। और भी एक बात, उस खत्म होने के बाद गाड़ी को पुलिया के तरफ अगर जाना है तो ना ले जाए, नहीं करना है। हो सकता है कि पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया हो और आप उस रास्ते से पार करेंगे, हो सकता है कि वो आपको खतरा हो जाएगा। इसलिए पहले सावधानी बरतने की जरूरत है, पुल पुलिया को समझने की जरूरत है कि भूकंप के दौरान हमें क्षतिग्रस्त पुलिया हुआ या नहीं। ये भैया एक बात हमको दिमाग में जखनी से घूम रहा है, पूछने का, पूछिए भैया। दीदी आप लोग कहाँ से आए हैं ये पहले बताइए। ये तो बहुत अच्छा सवाल किया है। हम लोग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकर्ता हैं। आपदा प्रबंधन के कार्यकर्ता हैं। हम लोग होने वाली दुर्घटनाओं से लोगों को सचेत करते हैं, गांव गांव में जाकर काम करते हैं। और हाँ, एक बात और आप लोग जान लीजिए। हाँ बताइए। अपने परिवार को घर में जाकर के ये सब बात समझाइएगा। हाँ। आपको घर में अगर अलमीरा है, गोदरेज है, फ्रिज है, तो ऐसा ही कोई किसी को घर में देखेगा, बीच से खड़ा कर दिया, इधर खड़ा कर दिया, तो क्या होगा? जब भूकंप आएगा तो इधर से गिरेगा, इधर से गिरेगा। हम क्या बताएं, पिछले बार जो भूकंप आया था ना, पिछले बार भूकंप में जैसे हम पत्नी और बचवा था, क्या हुआ कि ऊपर से ढनासिन गिरा तो हमारा दिल पैर कुचल गया लांगड़ा लेते था। इसीलिए अपना गोदरेज या फ्रिज है या अलमीरा है किसी के, हम देखते हैं कि खाना जो होता है, खाने वाला जो भी सामान या डिना डिब्बा देखते हैं तो ऊपर में लोग रख देंगे, वही राशन पानी में रख देते हैं। अब भूकंप आएगा तो हिलेगा, देह पर गिर जाएगा। मान लिया जाए आप गरीब आदमी हैं, आप सोए हुए हैं और आपके सोने के स्थान पर ही वो सामान ऊपर में रखा हुआ, अगर वैसे दौरान भूकंप आ गया तो वो सामान गिर जाएगा आपके ऊपर, तो आपका हो सकता है जान माल का खतरा हो। इसलिए वैसे चीजों को सुरक्षित स्थान पर पहले से रख लेना चाहिए, इंतजार भूकंप का नहीं करना चाहिए। हम या एक तल्ला पर या तीन तल्ला पर है, अगर भूकंप आने से पहले उस समय हम क्या करें, यानी हम घर में हैं, घर में और भूकंप आ गया है तो क्या सावधानी बरतना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया। यानी हम घर में हैं और भूकंप आ गया, भूकंप का झटका हो रहा है, तो सबसे पहले अपने घर का बिजली बॉक्स का जो स्विच है, मेन स्विच, उसको हम बंद कर देंगे। एकदम सही बात है, शॉर्ट सर्किट में हो जाए और उससे हमारा आग न लग जाएगा। दूसरा चीज, गैस जो हम खाना बनाने का गैस है हमारे पास, उसको हम बंद कर देंगे, वैसे हालत में जल्दी से हम पहले बंद कर देंगे। तब सुरक्षित स्थान या घर के कोई कोना है, कोना में ही जा करके हम सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि आप देखे हैं अगर कोई भी बिल्डिंग गिरता है तो कोना जो होता है घर का वहाँ नहीं गिरता है ना, तो वहाँ सुरक्षित हम हो जाएंगे। अच्छा भैया, इतना बात तो बताए, लेकिन ये भूकंप कहते किसको है? अरे भाई, भूकंप कहते हैं पृथ्वी के अंदर जो हलचल होता है, भूगर्भीय हलचल, यानी जमीन के अंदर जो भूगर्भीय हलचल, उसी को भूकंप कहते हैं। अरे ये वो चाचा बहुत बड़े पैमाने का चीज है, ऐसे हम बताते हैं लेकिन उसको नहीं आप जानिए तो अच्छा रहता है। उसका नाम है सिस्मोग्राफ, उससे नापा जाता है भूकंप का। वो तो नापने के लिए बहुत दूर की बात है ना, वो आपके पास है नहीं क्या बचना है, कैसे बचने के लिए। आप जानते हैं दीदी, आप बाजार से करेला ले जाना बंद, पहले तुम जा करके गांव समाज को समझाएंगे। सुन लीजिए, पहले से ही भूकंप आने के पहले से ही अपने रिश्तेदार को मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर रखे रहिए, तब जबकि भूकंप के समय हम उसे फोन लगाए
तो आसानी से लग सके और हमें घटना स्थल पर आया हम लोगों को मदद कर। अच्छा दीदी, मेरा एक दोस्त रहता है दिल्ली में, उसका नंबर है मेरे पास, फोन करेंगे वहाँ। अरे बताएंगे जो है जो बगल में है मेरे अच्छा अच्छा तो अब हम लोग सारी बताने के लिए भैया एक बात और जान लीजिए, अगर भूकंप के दौरान आपका घर पूरी तरह से टूट गया हो हाँ। तो उसमें प्रवेश ना करे जल्दी, हो सकता है कि वो मलबा आप पर बाद में भी गिर जाता है। और एक चीज और ध्यान रखना है, यानी अपने मकान के स्ट्रक्चर को भी फिर से बदल सकते हैं, यानी बदल कर सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं उसको। और साथ ही साथ मकान बनाने में भी कुछ सावधानी बातों को रखना जरूरी है, जैसे नींव के समय हो सके तो इंजीनियर से उसका राय मशवरा सलाह ले लें और अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही सही बात है। अच्छे मकान को भी फेर बदल करके उसे मजबूत बनाया जा सकता है। मकान को भी फेर बदल करके मजबूत बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके रीजन से वो बना हुआ है, तो हम उसको पिलर दे सकते हैं ना, तो उसको हम बगल से पिलर देकर के बना सकते हैं। मकान क्या बनाना चाहते हैं? अच्छा बेटा, ये सब जानकारी आप लोग कहाँ से प्राप्त की है? अब क्या है ना चाचा, कि हम लोग आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य करता है और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सबको जानकारी देते रहते हैं और जानकारी हम लोग लेते रहते हैं। जो हमने जानकारी दिया आप भी, आप सबों को भी बताएंगे, अपने आस पास के रहने वाले लोगों को भी बताएंगे, ताकि सभी लोग जान जाए। तो बेटा तीन बात को क्या क्या ध्यान रखना है? रुको, भागो, पकड़ो। तो चाचा सबसे पहले हम लोग को जाकर के बताते हैं, उसके बाद जागो 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 भैया जागो बहना जागो।